Disperse. तो सबसे पहले हम मुस्लिम एजुकेशन इंस्टीट्यूट पांपोर में काम कर रहे हैं कुछ पिछले 15 सालों से, कुछ 10 सालों से, कुछ 5 सालों से। और ज्यूरिंग कोविड, जो आपको सबको पता है कोविड-19 लॉकडाउन के बारे में, तो स्कूल बंद था 3-4 महीने में, तो लेकिन हम फिर भी वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस दे रहे थे, चाहे वो व्हाट्सअप हो, चाहे वो जूम हो, चाहे वो गुलगुल क्लासरूम हो। और उसके बाद अगस्त से जो स्कूल फिर खुला, तो स्कूल हम आ रहे थे, तो उसके बाद अक्टूबर नवंबर तक तो बच्चे भी आए, रेमेडियल क्लासेस हमने दिए, तो उसके बाद बच्चों से भी फीस कलेक्ट किया गया। नियर अबाउट 80% प्लस बच्चों ने फी भी भरा है, क्योंकि हम ही उनको विंटर असाइनमेंट्स देते थे। तो उसके बाद हमने भी फिर डिमांड की थी, हमने स्कूल अथॉरिटीज़ को बताया था कि हमारी जो सैलरीज पेंडिंग है, तो नियर अबाउट इन एग्रीगेट वो है नियर अबाउट 7 मंथ्स सैलरीज़। तो हमने यही डिमांड की, हमारी सैलरी जो है, हमारी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ घर में हैं, तो वो हमें रिलीज़ किया जाए। अगर थोड़ा ही कुछ होगा तो उतना ही करो 1-2 महीने, ताकि हमारी जो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन उसके बरक्स उस स्कूल अथॉरिटीज़ ने हमारा कुछ नहीं सुना, और हम फिर मजबूर हो गए। हमने CO ऑफिस पुलवामा में भी कंप्लेंट की, और वहाँ पे भी उनको बुलाया गया, वहाँ पे भी इन्होंने कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया गया। बार बार उनको वहाँ पे गया गया, आप हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स पे यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट्स पेश करो, लेकिन ये दे फेल टू प्रोड्यूस देयर। और उसके बाद उसके बरक्स इन रिप्लाई टू दैट इन्होंने बाई पोस्ट बहुत सारे टीचर्स को हमें टर्मिनेशन लेटर बाई पोस्ट भेजा घर में। नियर अबाउट अभी तक 16 टीचर्स को वो पहुंचा है बाय पोस्ट, और बाकी को अभी नहीं पहुंचा है, पता नहीं उनको अभी निकाला गया या नहीं। लेकिन हम जो कंप्लेंट में है, नियर अबाउट 24 टीचर्स हैं हम इसमें। ये बताइए, अगर देखा जाए वहीं, अगर स्कूल अथॉरिटी की बात करें, वो कह रहे हैं कि हम फाइनेंशियली जो है अनसाउंड है अभी, तो उसके लिए क्या कहेंगे, क्या वाकई में वो अनसाउंड है अभी? सर, ये हमें भी पता था लॉकडाउन में फाइनेंशियली वो अनसाउंड थे, लेकिन लॉकडाउन में हमने वो क्लेम नहीं की कि हमारी जो लॉकडाउन सैलरी वो रिलीज़ करो। लेकिन जब हम अगस्त से, जो भी मैंने बताया, अगस्त से हम भी स्कूल आ रहे हैं, अगस्त के बाद उन्होंने असाइनमेंट्स दिए बच्चों को, फी कार्ड्स दिए उनको, ये यहाँ पे सिलेबस प्रोवाइड किया, विंटर असाइनमेंट्स दिए। तो पहले हम चेक करते थे बच्चे ने फी भरा या नहीं, उसी को हम देते थे, जिसका अक्टूबर नवंबर तक जो फी क्लियर होता था उसी को हम देते थे। तो इससे हमें पता चला कि नहीं, स्कूल वालों ने भी बहुत सारा फी कलेक्ट किया है। तो उसके बाद ही हमने वहां पे डिमांड की, हमारी कुछ सैलरी भी जो पेंडिंग है वो रिलीज़ की जाए, जो हक है वो हमें दिया जाए, और ये जो टर्मिनेशन निकाले गए हैं वो भी वापस लिए गए। क्योंकि ऑलरेडी अगस्त 2020 में डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन ने सर्कुलर इसके बारे में निकाला है कि ज्यूरिंग कोविड या आपको सैलरी भी स्टाफ को देनी है प्राइवेट स्कूलों को, और किसी को टर्मिनेट भी नहीं कर सकते हो आप। तो इन्होंने उसको वायलेट किया, इस ऑर्डर को जो कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने निकाला है अगस्त 2020 में।